Then alternating current in most generalized manner, it may be written like this: I is equal to I naught sine omega t. And this current variation with the time can be plotted in this manner. इस तरह से हम करंट वेरिएशन विद टाइम प्लॉट कर सकते हैं. इट वेरी साइनसॉइडली. इसमें मैंने बताया था इंस्टेंटेनियस करंट आई नॉट है. हाँ, इंस्टेंटेनियस करंट इज आई व्हाइल पीक करंट इज आई नॉट. दिस इज पीक करंट. दिस पीक करंट इज आई नॉट. और फिर मैंने एवरेज करंट बताया था आई एवरेज. आई एवरेज विच इज डिनोटेड लाइक दिस. और यह प्रूव करवाया था दैट दिस आई एवरेज एवरेज करंट इज जीरो. मैं एक और ग्राफ बनाता हूं. मॉड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इन द सर्किट. सर्किट में यदि मैग्नीट्यूड ऑफ आई पूछा जाए तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले तो हम यह टाइमलाइन बना देते हैं. दिस इज द टाइमलाइन. अब मैग्नीट्यूड ऑफ आई वुड बी ड्रॉन इन दिस मैनर. अब हमें साइन से मतलब नहीं है. फर्स्ट हाफ में तो पॉजिटिव करंट है ही. सेकेंड हाफ में जो तो नेगेटिव करंट है मैग्नीट्यूड ऑफ आई में, यह भी इसी तरह से बनाया जाएगा. थर्ड हाफ में भी इस तरह से, फोर्थ हाफ में भी इस तरह से, फिफ्थ हाफ में भी इस तरह से, एंड सो ऑन. पीक करंट इज आई नॉट. नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज एवरेज ऑफ मॉड आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई का एवरेज क्या होगा? हम एवरेज करंट जो पहले डिफाइन करें वो कैसे डिफाइन करें थे रिकॉल करते हैं हम. एवरेज करंट इज इंटीग्रल ऑफ आई डीटी अपॉन इंटीग्रल ऑफ हम ऐसे डिफाइन करे थे. और इंटीग्रल ऑफ आई डीटी क्या था? एरिया अंडर आई टी ग्राफ अपॉन टोटल टाइम. और एरिया अंडर आई टी ग्राफ हमने कहा फॉर फर्स्ट हाफ यह एरिया पॉजिटिव होता है. यह एरिया पॉजिटिव होता है और फॉर सेकेंड हाफ यह एरिया नेगेटिव होता है. और जितना पॉजिटिव एरिया उतना ही नेगेटिव एरिया. तो टोटल एक साइकिल में यदि हम एरिया देखेंगे देन एरिया इंक्लोज ड्यूरिंग द साइकिल इज जीरो अपॉन टाइम टी. इसलिए आई एवरेज हमने लिख दिया था जीरो.
मगर अब जो हमसे पूछा है, दैट इज मीन ऑफ मॉड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, इसका मीन पूछा।